नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सूरत के कॉलेज में लव जिहाद को लेकर मारपीट। वीएचपी कार्यकर्ता ने मुस्लिम स्टूडेंट को कैंपस में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गुजरात में सूरत के भगवान महावीर कॉलेज में तीन मुस्लिम स्टूडेंट से मारपीट का मामला सामने आया है। कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स की पिटाई विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने की है। मुस्लिम स्टूडेंट्स पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि कॉलेज के कई मुस्लिम छात्र प्लानिंग के साथ हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और कुछ लड़कियों को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। इसी के चलते कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में स्टिंग ऑपरेशन किया, स्टूडेंट की पहचान कर उनसे मारपीट की। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश नावड़िया ने मीडिया से कहा कि वीएचपी को जानकारी मिली थी कि कॉलेज के कुछ मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ लड़कों का हिंदू लड़कियों से अफेयर भी है। इतना ही नहीं, ये सोशल मीडिया में भी फर्जी नामों से कई हिंदू लड़कियों से चैटिंग करते हैं। इसकी पहचान कर आज उन्हें पकड़ा गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़कर उनका वीडियो भी बनाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसमें एक युवक अपना नाम भी बता रहा है। वीडियो में युवक ने कबूल किया है कि उसके संपर्क में तीन से ज्यादा लड़कियां हैं। वह कह रहा है कि उसने कुछ लड़कियों को होटल में ले जाकर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी निकाली। वीएचपी नेता दिनेश नावड़िया ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद हमारी टीम इसकी जांच में लगी हुई थी। हमारी जांच में भी ये बात सही साबित हुई, हमने इसकी पहचान कर ली थी। इसके बाद आज इन्हें पकड़ा गया और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया है। अगर फिर से ऐसे मामले सामने आए तो हम दोबारा कार्रवाई करेंगे। सूरत ही नहीं, हम पूरे देश में लव जिहाद को रोकने की कोशिश करते रहेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।